हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं एक नया गेम जिसका नाम है सी ऑफ कॉन्कर्स। सो गाइस, देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है एंड भाई कैसा गेम है ये। गाइस, मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन भाई अभी तो खेलने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, ये स्टोरी भाई ये क्या ही चीज़ें हैं। चलो गाइस, अभी आगे चल कर देखते हैं। एंड भाई, यहाँ पर जो भी कुछ है पूरा शिप के ऊपर है, मतलब शिप में हमको सर्वाइव वगैरह करना है। एंड गाइस, फाइट वगैरह भी होने वाले हैं। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर भरा गेम है ये भाई, मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। सो गाइस, पता नहीं ये कौन सा मैप है भाई, ये क्या ही चीज़ें हैं। चलो गाइस, देखते हैं अभी क्या ही होगा। भाई स्टोरी तो काफ़ी बढ़िया लग रही है अभी देखने में। चलो भाई, अभी तो स्टोरी चालू है। एंड भाई क्या ही तो लोगों आया सी ऑफ कॉन्कर्स का। गाइस लिटरली मज़ा आ गया भाई, स्टोरी तो काफ़ी बढ़िया लग रही है इसकी। एंड गाइस, देखते हैं अभी आगे क्या होगा। ओ भाई, क्या ही तो ग्राफिक्स हैं भाई, एकदम लिटरली ये लग रहा है बिल्कुल मैं भाई पानी के अंदर हूँ अभी। भाई ये देखो, ये क्या है भाई, यहाँ पर हमको मतलब अपग्रेड वगैरह करने पड़ेंगे सारी चीज़ें। ओ भाई क्या है भाई, यहाँ पर ऑक्टोपस अटैक हो चुका है भाई, कितने सारे ऑक्टोपस हैं यहाँ पर। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। यहाँ पर ख़तरनाक सीन हो चुका है। एंड भाई, ये अपना पायलट भाई जल्दी से भगा यहाँ से भाई, नहीं तो अभी पिल जाएगा भाई। इसने पूरा का पूरा सर्कल, मतलब ये स्टेयरिंग व्हील होता है, पूरा घुमा दिया भाई। इसकी धज्जें उड़ चुकी हैं यहाँ पर भाई, फटाक से भागो नहीं तो ऑक्टोपस तुम्हारी रेड लगा देंगी भाई। ये क्या हो रहा है यार। चलो भाई, अपनी एक शिप तो यहाँ से भाग चुके हैं, दूसरे शिप का क्या हुआ पता ही नहीं चला भाई। खतरनाक एंट्री हुई है इस गेम में भाई, आगे तो खतरनाक ही, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, अब भी अपनी छोटी सी शिप बची है भाई। शिप तो यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी भाई, हमको मतलब जूम करने में दिखा रहे थे काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी। सो गाइस, यहाँ पर ही अपनी शिप आ चुके हैं। इंडिया हमको शिप के बारे में बता रहे हैं भाई। ये है हमारे वर्कर्स वगैरह, मतलब ये अपना पायलट है यहाँ पर, और वर्कर्स भी हैं भाई जो कि हमारे लिए काम करने वाले हैं। एंड गाइस, देखते हैं अभी वो भाई कितने सारे वर्कर्स हैं यहाँ पर। भाई सारे बच चुके हैं, मतलब आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई बस। सो गाइस, देखते हैं अभी क्या ही होने वाला है। और गाइस, आप लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, ये क्या चीज़ है। सो गाइस, लगता है हमको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। चलो भाई, फटाफट से अपग्रेड कर देते हैं भाई। ये लेवल वन का स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर भाई अपना लगता है बेडरूम बनने वाला है। नहीं भाई, यहाँ पर डाइनिंग टेबल पड़ी है, मतलब यहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हैं भाई। ये क्या स्टोर रूम है गाइस, अरे भाई मज़ा ही आ गया। सो गाइस, हमारी तीन चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं। एंड यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा गाइस। ये लाइट लग रही है, हाँ भाई ये लाइट है, जिससे कि हम आगे तक का सारा कुछ देख सकते हैं। ये कोहरा हट चुका है। एंड गाइस, यहाँ पर लगता है कोई यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको बचाना पड़ेगा हमको। चलो भाई, इसको बचाते हैं। एंड भाई ये बैली है, अच्छा भाई बैली, मतलब बैली को हमको बचाना था, लेकिन भाई यहाँ पर दिक्कत हो चुकी है भाई, हमको फाइट करनी पड़ेगी फिर हम बैली को बचा सकते हैं। मतलब बैली यहाँ की एक करेक्टर है, उसको हमको बचाना पड़ेगा। लेकिन गाइस, उससे पहले हमको फाइट करनी पड़ेगी। फाइट के लिए चाहिए हमको कैनन वगैरह, जिसका हम मतलब अटैक करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पर अपनी एक कैनन लगा लेते हैं, लेकिन भाई एक कैनन से क्या होगा। चलो गाइस, देखते हैं और क्या हम लगा सकते हैं यहाँ पर भाई। ये और मतलब यहाँ पर फ्लैग वगैरह तो और कुछ लगा ही नहीं सकते, क्योंकि गाइस अभी हमारे पास कुछ है नहीं जिससे कि हम यहाँ पर कुछ लगा सकें। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक कैनन लगाई थी, यहाँ पर तीन चार कैनन ऑटोमेटिकली लग चुकी हैं। चलो भाई, इन कैनन से तो हम अटैक कर सकते हैं आराम से भाई। अभी हमको इस वाली बोट के ऊपर अटैक करना है, फिर उसके बाद हम बैली को अपना मतलब अपने साथ में कर सकते हैं, बैली करेक्टर को। चलो भाई, इसके ऊपर अटैक करता हूँ गाइस। ये अपना फर्स्ट अटैक भाई। ओ भाई, कितनी सारी कैनन आ चुकी हैं यार, हम इससे मतलब ऑटोमेटिक मतलब अपने आप से अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर भाई। ये भी अटैक कर रहा है यार। चलो भाई, ये अपना कैप्टन है भाई, कैप्टन भी कल से मारेगा ये बात भाई, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं हम लोग भाई। फिर से अटैक करते हैं इसके ऊपर भाई। ये गाइस, इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम बची है भाई। ये ले, तू दोबारा से ले, अभी गाइस एक अटैक में ये ख़त्म हो जाएगा। सो गाइस, ये कैप्टन हमारा क्या कर रहा है भाई, तू भी अटैक कर यार। ओ भाई भाई भाई, खतरनाक अटैक कर दिया इन लोगों ने भी। चलो भाई, ख़त्म भाई, इनकी बोट को हमने मतलब शिप को डुबा दिया है। अभी हो चुकी है हमारी विक्ट्री भाई, शानदार तरीके से। सो गाइस, अभी बैली कैरेक्टर हमारे साथ में आ चुके हैं। एंड गेम द लॉट भाई, ये देखो ये अपनी बैली करेक्टर है। एंड भाई, हमने मतलब बैली करेक्टर ने हमको कुछ दिया है भाई। ये टाइम मतलब टाइम दिखाने नहीं भाई, टाइम नहीं, डिस्टेंस दिखाने वाली ये वॉच है। चलो भाई, देखते हैं इससे क्या होगा। और भाई ये क्या है गाइस, फाइनली अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब चैप्टर वन हमने कम्प्लीट कर दिया गाइस, बैली को बचाने के बाद। भाई बढ़िया यार, हमने चैप्टर वन कम्प्लीट कर दिया फर्स्ट वीडियो में, मतलब फर्स्ट पार्ट में ही। चलो भाई, इसके चैप्टर तो काफ़ी ख़तरनाक होने वाले हैं। सो गाइस, हमको फिर से यहाँ से किसी बंदे को बचाना है। चलो गाइस, फिर से इसको बचाते हैं, देखते हैं भाई क्या है भाई। इस बार हमने किसी बंदे को नहीं, मतलब हमको कुछ फ्री में मिल चुका है भाई। ये लो, लगता है हमारी दोबारा से फाइट होने वाली है गाइस। यहाँ पर एक और सेप है, मतलब अपना दूसरा मिशन हमको मिला है,
जो कि हमको एक और शिप से फाइट करनी है भाई। एक शिप से अभी फाइट करी तो है। चल भाई इस बार हमारे साथ बैली कैरेक्टर में होने वाली है। तो गाइस हमारे पास दो कैरेक्टर हो जाएंगे भाई, एक तो अपना कैप्टन एंड एक बैली। चलो भाई देखते हैं हम इससे जीत पाते हैं या फिर नहीं। और गाइस ऑटो वाला भी आ चुका है, मतलब ऑटोमेटिक हमारी शिप अटैक करने वाली है उनके ऊपर। तो भाई लोग अब तो ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाले गाइस, इसको ऑटो वाले को ऑफ करते हैं, हम अपने यहाँ भी इसके ऊपर अटैक करेंगे। ये ले भाई ख़त्म। और गाइस हम अपने कैप्टन को कैसे मतलब अटैक करने के लिए गए। चलो भाई कैप्टन से हमने कह दिया भाई अटैक कर। और गाइस ये बैली कैरेक्टर कैसे गए भाई, इसको तो बाद में देखेंगे। चलो भाई इस वाले को ऑटो पे लगा देते हैं एंड अभी बैली को ऑर्डर देते हैं भाई, बैली भी अटैक करे भाई। चलो भाई सब भी हमारे दोनों की दोनों चीज़ें बन चुकी हैं भाई, हमने ऑटो सबसे फिर से हटा दिया भाई। अपने आप अटैक करने में ज़्यादा मज़ा आएगा भाई। पता नहीं ये कैप्टन क्यों नहीं अटैक कर रहा भाई, पता नहीं क्या ही सिस्टम है इसका। भाई लोग आराम से इसको मारते हैं। ये ले भाई अब तो ये गया भाई, लेकिन हमारी से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। ये ले भाई दोबारा से ले गाइस, इसके आगे को मारते भाई, आगे को मारेंगे तो ये मतलब इसकी शिप ख़त्म ही होने वाली है। चलो भाई फाइनली हमने इस वाली शिप को भी डुबा दिया भाई, हमारी शिप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसको अभी अपग्रेड करना पड़ेगा। देखते हैं भाई कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। पहले तो यहाँ से सारा सामान उठा दें जो कि इस शिप में था। चलो भाई अब भी लगता है हमको आगे जाना है क्या? नहीं भाई पहले यहाँ से यहाँ का भी सारा सामान उठा लेते हैं जो भी यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि गाइस हमको लूट तो चाहिए। अरे भाई यहाँ पर नीचे देख रहे हो भेल गई थी अभी। और गाइस अभी हमको आगे जाना पड़ेगा जो कि हमारे टारगेट में है, मतलब जो कि हमारे मिशंस में भाई आगे, पता नहीं क्या ही सीन है। चलो गाइस चल के देखते हैं भाई, पता नहीं क्या ही होगा भाई। इस बार फिर से अटैक ना हो जाए भाई, अभी लगातार हमने दो अटैक करे हैं। एंड गाइस ये क्या सिप केप पे आ चुके हैं एंड भाई यहाँ पर तो घमासान युद्ध चालू है। चलो भाई उसको बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमको अपनी सिप को अपग्रेड करना पड़ेगा। चलो भाई अभी मैं कह ही रहा था सिप को अपग्रेड करने के लिए, अभी गाइस हमने फाइनली सिप को अपग्रेड भी कर लिया है भाई, अब भी मज़ा आएगा ना। सो गाइस अभी अपनी सिप थोड़ी बड़ी हो चुकी है, नीचे हमारा मतलब पर्दे वगैरह हट चुके हैं। और गाइस हम नीचे भी और चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन गाइस ये क्या है? तो गाइस इस नोटिस को हम बाद में पढ़ेंगे। एंड गाइस ये बैल मतलब पता नहीं ये क्या चीज़ है भाई, जिससे हम डिस्टेंस मतलब दिशा देख सकते हैं, जो कि हिंदी में दिशा कहते हैं भाई, इंग्लिश में भूल गया यार क्या कहते हैं। चलो भाई यहाँ पर हमको सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी भाई, फटाफट से इसको अपग्रेड करते हैं नीचे से। चलो भाई ये क्या लग गया भाई यहाँ पर, ये रेड रेड क्या आ रहा है पता नहीं। चलो भाई इसको बाद में देखेंगे, और भी चीज़ें हमको लगानी है। सो गाइस अभी अपनी सिप को हमको फुल्ली अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब अपग्रेड करने के बाद थोड़ी ये बड़ी हो चुकी है। सो गाइस अभी हमने दो चीज़ें लगा दी, तीसरी चीज़ भाई ये चीज़ क्या है भाई, इतना बड़ा लगाया है यहाँ पर भाई, यहाँ पर पर्दे वगैरह आ चुके हैं एंड ऊपर एक स्टोर रूम बन चुका है, नीचे भी दो चीज़ें आ चुकी हैं भाई। अपनी सिप काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है पहले के मुकाबले। और गाइस यहाँ पर सीढ़ियाँ भी हैं, और भाई यहाँ पर ये रेड क्या आ रहा है, चलो भाई देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमको लोग लगाने पड़ेंगे, मतलब 98 वर्कर्स हैं हमारे पास, लेकिन भाई ये वर्कर नहीं है, ये तो मालिक लग रहा है यहाँ का। सो गाइस ये हमारा मतलब ये सिप को घुमाने के लिए अभी यहाँ पर हमको चार लोग लगाने पड़ेंगे। अरे भाई ये हड्डी आ गया भाई, ये क्या ही कर पाएगा, ये इसके अंदर कुछ है भी जो ये सिप को मतलब ये घुमा पाएगा। चलो भाई देखते हैं। ओ भाई लटक गया, ओ भाई 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 आराम से कर भाई, टूटना मत जाइए भाई, ये टूट गया तो टूट के बिखर ही जाएगा। चलो भाई सब भी हमको और भी चीज़ें लगानी पड़ेंगी नीचे साइड में, गाइस ये कैनन लगा देते हैं। चलो भाई कैनन भी लग चुकी है भाई, नीचे से भी कैनन अटैक करेगी, ऊपर से तो करती है अभी, नीचे से भी करेगी। और गाइस देखते हैं हमको और क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, गाइस हमको कैनन वाले वर्कर्स भी लगाने पड़ेंगे भाई। कैनन वाली वर्कर्स ही नहीं मतलब वर्कर हैं, मतलब आंटी हैं ये। चलो भाई इनको बाद में देखेंगे। और गाइस कैनन को हटाते हैं, यहाँ पर एक स्टोर रूम बनाते हैं, क्योंकि गाइस हमको गन की एमओ रखने के लिए हमको ये लेना पड़ेगा। चलो गाइस एक और कैनन लगा देते हैं यहाँ पर, और गाइस यहाँ का पर्दा हटाते हैं भाई, ये देखो स्टोर रूम है, यहाँ पर हमारी एमओ रखी जाएंगी। चलो गाइस यहाँ पर भी हमको एक वर्कर लगाना पड़ेगा, एक नहीं दो वर्कर लगाने पड़ेंगे, दो लोग यहाँ पर चलाएंगे गाइस, दो की जगह यहाँ पर एक ही वर्कर आ रहा है, पता नहीं क्या ही सीन है। चलो भाई इसको छोड़ दें गाइस, लिटरली इस गेम के ग्राफिक कुछ अलग ही लेवल के। और गाइस ये स्टॉप वॉच अपनी कंप्लीट ही हो चुकी है। चलो भाई एंड भाई फाइनली 100% हो चुकी है भाई, ये बैली ने ऑर्डर दे दिया, पता नहीं भाई क्या ही चीज़ है ये। चलो भाई अपने मिशंस को देखना पड़ेगा अभी, एंड मिशंस को देखते हैं भाई। स्टॉप वॉच स्टार्ट हो चुकी है भाई, हमको क्या करना है इसमें। चलो गाइस अभी दोबारा देखते हैं भाई, ये तो स्टॉप हो गई यहाँ पर भाई, क्या ही करना है इसका। सो गाइस दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको भाई, इस मतलब इस वाली बॉच का क्या ही करना है। सो गाइस ये यहाँ पर लगता है इधर गोल्ड फाइंड करना है। सो गाइस अभी हम ट्रेडर्स के पास आ चुके हैं, चलो भाई ट्रेड करते हैं। अरे भाई सामान लगाना पड़ेगा। चलो गाइस हमारे पास ये कुछ है, पता नहीं क्या पड़ा है गाइस, इसी को लगाते हैं, ट्रेड करते हैं। गाइस हमारे पास राइस पड़े हैं, चलो गाइस हमने इसको सेल कर दिया भाई, अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो चुका है। चलो भाई देखते हैं इसका मतलब हमको क्या ही करना पड़ेगा गाइस, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है ट्रेड करने के लिए। सो गाइस स्टॉप वॉच का हमको करना क्या है पता नहीं भाई, दोबारा से फाइंड आउट करते हैं। एंड भाई अभी भी कुछ नहीं पता चला गाइस, थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं भाई। लगता है यहाँ से हमको गोल्ड मतलब यहाँ से हमको गोल्ड फाइंड करना है,
लेकिन भाई हमको जाना कहाँ है यही नहीं पता है भाई। यहाँ पर सेफ तो चल रहे हैं, इनसे फाइट वगैरह तो नहीं करनी है भाई। चलो छोड़ो यार, अभी फाइट बाद में करेंगे गाइस। यहाँ पर ये गई, ये तो गोल्ड नहीं है भाई। फाइनली लगता है हमको गोल्ड मिल चुका है। अरे भाई गोल्ड तो मिला, लेकिन भाई हमारा ये मिशन कम्प्लीट नहीं हुआ। चलो भाई स्टॉप वॉच पर फिर से लगाते हैं। सो गाइस लगता है इधर हमको जाना है, लेफ्ट साइड में, मतलब राइट साइड में जाना है। ये देखो भाई यहाँ पर ये पिंग आ रहा है। चलो भाई आगे चलकर देखते हैं। एंड भाई लगता है हमको सोना। अरे भाई भाई भाई, ओ भाई रुक जा, उससे डर गाइस फाइट हो चुकी है स्टार्ट। गाइस हमको इसको हराना पड़ेगा। चलो गाइस इससे तो हम आराम से जीत ही सकते हैं। इसकी हेल्थ हमने स्टार्टिंग में ही खत्म कर दी भाई। इसकी आधी एचपी तो फर्स्ट अटैक में ही खत्म हो गई थी। चलो भाई इसको हमको हमने डुबा दिया है। अभी गाइस अभी हमको गोल्ड ढूंढना है। चलो गाइस इसको उठाते हैं। गाइस यहाँ पर हमको राइस मिल चुके हैं भाई, बढ़िया। जिसको हमने सेल करा था वो हमको वापस मिल चुका है। और गाइस हम फाइनली अभी इधर आ चुके हैं भाई। यहाँ से आगे तो जा नहीं सकते भाई। भाई भाई हमको काम, ओ भाई फाइनली हमको गोल्ड मिल चुका है यार, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। चलो भाई फटाफट से इसको कलेक्ट करते हैं। लेकिन गाइस इसको हम अभी कलेक्ट नहीं कर सकते, उससे पहले हमको इस शिप से फाइट करनी पड़ेगी। चलो भाई फाइट करने से डरते थोड़ी हैं भाई। चलो गाइस अभी अटैक करते हैं एंड इसको बताना है कि हम क्या चीज़ है। चलो भाई अभी हम ऑटोमेटिक अटैक करते हैं, मतलब अपने आप ही अटैक करते हैं भाई ये ले। एंड गाइस अभी हमारे पास दो करेक्टर भी हैं भाई, इन लोग को भी कहते हैं भाई तुम भी अटैक करो। हैरी है एंड एक बैटी, मतलब बैटी नाम है भाई इसका, मैं तो बैली समझ रहा था। चलो भाई बैटी नाम है इसका, बैटी से भाई बैटी अटैक करो। ये बात भाई ये तो ग्रेनेड कर रही है भाई, ये खतरनाक है। और भाई अपना कैप्टन तो कुछ अलग ही लेवल का है, हैंनरी, हाँ भाई हैंनरी नाम है अपने कैप्टन का। चलो भाई बातों बातों में ही हमने इस शिप को भी डुबा दिया। एंड गाइस फाइनली सारा का सारा गोल्ड अपना हो चुका है अभी भाई। यहाँ के मतलब गोल्ड गोल्ड के लिए हम कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। चलो गाइस अभी हमको वापस जाना पड़ेगा। एंड गाइस देखते हैं हमको अब क्या ही होने वाला, मतलब क्या चैलेंज मिलने वाला है यहाँ पर भाई। गोल्ड वाला चैलेंज तो काफ़ी महंगा पड़ा हमको, क्योंकि गाइस हमको फाइट करनी पड़ी। और गाइस यहाँ पर इन लोग ने हमारे लिए एक चैलेंज दे दिया है। अभी गाइस हमारे पास दो करेक्टर्स हैं, उनसे भाई इन लोग की फ़ाइट करानी पड़ेगी। और गाइस हमको विन करना है यहाँ पर। चलो गाइस रेडी, ये लो भाई हमारे करेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। गाइस इन्हें चैलेंज देकर इन्होंने अपने पैरों पर ही गुलाड़ी मार ली। तो गाइस ये देख रहा हूँ हमारे कैरेक्टर्स की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। और गाइस एक के पास गन है एंड एक के पास कटाना है। चलो भाई फाइट करो। ये गया भाई, एक बंदा तो इनका गया। अब भी भाई ये दूसरा जाया गन वाला, इसके ऊपर अटैक कर दे एक बार भाई। हैरी अटैक कर भाई, ये लो भाई गन, मतलब इसके ऊपर अटैक करना चाहिए था। चलो भाई ये गया एंड ये ले भाई ख़त्म। चलो गाइस अब भी हमने तीनों बंदों को पेल दिया है बिल्कुल प्यार से। सो गाइस अब भी हमारी हो चुकी है विक्ट्री भाई। क्या ही तो ये हमसे पंगे लेंगे भाई, पंगे लेने से पहले सोचना चाहिए 10 बार। चलो भाई सब भी ये, ओ भाई फाइनली हमने चैप्टर 3rd भी कंप्लीट कर लिया भाई बातों बातों में। चलो गाइस फाइनली इतना, मतलब हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर दिया इस गेम में भाई। देखते हैं अगला मिशन हमारा क्या ही होने वाला है। तो गाइस अब भी हमको इसमें देखना पड़ेगा क्या सीन है। अच्छा भाई इसका हमको कलर चेंज करना है भाई अभी। चलो भाई फटाफट से कलर चेंज करते हैं। और भाई ये काफ़ी गंदा लग रहा है एंड भाई ब्लैक कलर ओपी लग रहा है थोड़ा। चलो गाइस इसके ऊपर हमने एक टैटू भी लगा दिया। अब भी भाई अपनी सेप बनी पूरी डाकू वाली सेप। चलो गाइस अब भी हमको इधर साइड में जाना है जहाँ पर अभी बादल ही बादल है, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब भी गाइस जाने के बाद ही दिखेगा, 32 मीटर है यहाँ से। चलो गाइस हमारे पीछे दो सेप्स भी आ रहे हैं जो हमारी हेल्प करने वाले हैं किसी भी पंगे, अगर हमारे पंगे होते हैं उसके बाद में। चलो गाइस अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं एंड भाई यहाँ पर फाइट चालू है हम लोग को। इनको मतलब ये वाली बोट है, इसको हमको जिताना है कुछ भी करके। चलो भाई इससे हमने पंगे ले लिए, अभी हमको बिन करना है यहाँ पर कुछ भी करके, नहीं तो भाई इज्जत डूब जाएगी अपनी पानी में। चलो गाइस अभी अटैक करते हैं एंड भाई बैटी को बोलते हैं भाई बैटी मारो। ये बात गाइस ये खतरनाक मारती है। और भाई हैरी को भी बोलना पड़ेगा भाई, हैरी भाई तो पता नहीं कहीं नशे में। चलो भाई हैरी भी आ चुके हैं, मतलब हैंनरी भाई, हैंनरी नाम है, हैंनरी हेल और बैटी भाई, क्या ही तो अजीब अजीब नाम है इन लोग के। चलो गाइस हमने ये वाला ऑटो पे लगा दिया, मतलब ये गन वाले ऑटो पे लगा दिया है। एंड भाई अभी फाइनली हमारी हो चुकी है विक्ट्री। गाइस देख रहा है बातों बातों में विक्ट्री हो जाती है, लेकिन गाइस खतरनाक डैमेज हो जाता है हमारा बोट। चलो गाइस अभी देखते हैं हमको कहाँ जाना है भाई। ये वाली बोट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है गाइस, अभी तो हमने उसको उड़ाया था भाई। ये क्यों क्या नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रही है। चलो गाइस इसको उड़ाते हैं एंड भाई ये क्या भाई 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 ये क्या हुआ यार। गाइस ओनली 15 मिनट में 1.5 GB जा चुकी है भाई, मेरा पूरा डाटा खत्म हो चुका है। अभी मैंने अपने भाई का डाटा लिया है भाई, देख रहे हो क्या ही तो खतरनाक गेम है। सो गाइस ये वाली गेम आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आज की गेम प्ले वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।